हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विदर शय हर सिंह तोमर स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय आई लखनऊ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ जियोग्राफी का चैप्टर वन एनवायरनमेंट पहले इस बॉक्स को पढ़ते हैं एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ द वॉटर वी ड्रिंक द फूड वी ईट एंड लैंड वेयर वी लिव तो इन्वायरमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है ये हमें एयर देता है जिससे हम ब्रीथ करते हैं ये और ये वाटर देता है जिसे हम पीते हैं फूड देता है जिसे हम खाते हैं लैंड देता है जहाँ पे हम रहते हैं हाउ डू ह्यूमन बींग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वामेंट तो ह्यूमन बींग में नेचुरल इन्वामेंट को कैसे मॉडिफाई किया द फ्यूम पोल्यूट द एयर वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट फूड इज़ सर्वड इन वेसल्स एंड द लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज कार के धुएँ ने पॉल्यूशन पॉल्यूट कर दिया एयर को वाटर पॉट में कलेक्ट किया जाने लगा फूड वेसल्स में सर्व किया जाने लगा और लैंड को फैक्ट्रीज बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाने लगा ह्यूमन ह्यूमन बीइंग में कार्स मिल्स फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स ह्यूमन बीइंग ने कार बनाई मिल बनाई और फैक्ट्रीज बनाई और कंटेनर बनाया जैसे बर्तन दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई एनवायरनमेंट इस तरह से ह्यूमन बीइंग ने मॉडिफाई किया एनवायरनमेंट को आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन वेन रवि इस्टार्टेड टू गो इंग स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिस्सूल वॉज ड बहुत लंबी छुट्टियों के बाद रवि ने जब फिर से स्कूल जाना शुरू किया तो उसने नोटिस किया कि प्लेग्राउंड जो हमारे स्कूल के बगल में था उस उसकी खुदाई चल रही है लोग कह रहे हैं कि पीपल सेट से देूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट ल बी कंस्ट्रक्टेड हेयर लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी यहाँ पे जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे वो यहाँ पे बनाई जाएगी रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स रवि के आँखों में लगभग आंसू आंसू से आ गए थे वेन ही रियलाइज दैट द बिग ट्रे ग्राउंड विद ए सॉफ्ट ग्रास मैरी गोल्ड्स एंड बटरफ्लाई इज गन फॉर एवर उसने रियलाइज़ किया कि जो उसका बड़ा सा प्ले था जिसमें सॉफ्ट ग्रास थी मैरीगोल्ड के फूल उगते थे बटरफ्लाइज इधर उधर घूमती थी वो अब सब चले जाएंगे ही शेयर डिज फीलिंग्स विद हिज़ क्लासमेट उसने अपने क्लासमेट के साथ फीलिंग अपनी शेयर की ये सब बताया कि ये सब हो रहा इन द दसम्बली स्कूल की असम्बली में प्रिंसिपल बहुत सैडली ऑब्जर्व किए सी हाउ और एन्वायरमेंट इज चेंजिंग उन्होंने कहा कि देखो हमारा इन्वामेंट कैसे चेंज हो रहा है जब असम्बली के बाद रवि क्लास में पहुँचा तो उसने पूछा कि अपने टीचर से पूछा कि वॉट इज़ एन्वायॉर्मेंट इन्वायमेंट क्या होता है टीचर ने रिप्लाई दिया व्हाट एवर यू सी इन आवर सराउंडिंग सेट द टीचर टीचर ने कहा कि जो भी तुम अपने सराउंडिंग में देखते हो वो एनवायरमेंट हुआ रवि थाट अलाउड दैट मीनस द स्कूल बिल्डिंग टेबल चेयर इन द्लास रूम इवन दैट ओपन फील्ड द रोड द गार्बेज माई फ्रेंड्स ऑल आर पार्ट ऑफ आवर इन्वॉयमेंट रवि ने कहा कि इसका मतलब कि हमारे स्कूल बिल्डिंग टेबल और चेयर जो क्लास रूम में है इवन दैट ओपन फील्ड खुली मैदान द रोड रोड गारबेज मेरे दोस्त सब तो एनवायरमेंट का पार्ट हुए टीचर बोले यस सर द टीचर बट वेट टीचर ने कहा हाँ पर सुनो टीचर ने कहा सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर कुछ ऑब्जेक्ट नेचर ने क्रिएट हो किए होते हैं फॉर एग्जांपल माउंटेन रिवर ट्रीज एनिमल्स माउंटेन क्रिएट किया है नेचर ने रिवर क्रिएट किया है ट्रीज एनिमल और अदर मेड बाय पीपल अदर मेड बाई पीपल फॉर एग्जाम्पल कार रोड क्लोथ्स बुक्स और बाकी चीज़ें पीपल के द्वारा, द्वारा क्रिएट की गई हैं जैसे रोड कार क्लोथ बुक्स ये एक एक्टिविटी दी गई है इसे आप लोग कर लीजिएगा रवि परमजीत जैसी मुस्ताफ़ा आशा ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट वाई इज़ आवर एनवामेंट चेंजिंग आज इकबाल, रवि परमजीत जैसी मुस्ताफा आशा ये सब एक लिस्ट बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि हमारा इन्वामेंट कैसे चेंज हो रहा है इकबाल ने पूछा इट्स ऑल बिकॉज आवर ऑफ़ आवर नीड्स इकबाल ने बताया कि हमारा हमारी नीड की वजह से ये इन्वामेंट चेंज हो रहा है they are increasing day by day we are therefore modifying and at times even destroy our natural surrounding the teacher replied to ikbal ne bataya ki hamari zaruraten day by day badh rahi hain और हम लोग अपने environment को modify किए जा रहे हैं जिससे natural environment खत्म हो रहा है teacher ने कहा अभी एबायोटिक और बायोटिक आपने साइंस में पढ़ा होगा क्लास सिक्स में बायोटिक वो चीज़ होती है जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स को बायोटिक कहा जाता है जैसे प्लांट एंड ए बायोटिक वो चीज़ें होती हैं जो नॉन थिंग एलिमेंट होते हैं जैसे लैंड हो गया वाटर हो गया रिवर हो गया माउंटेन प्लेटोज ये सब होते हैं ए बायोटिक अब कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट कितने तरह के होते हैं नेचुरल ह्यूमन मेड और ह्यूमन इन्वायरमेंट थ्री टाइप्स के होते हैं एक होता है नेचुरल एक होता है ह्यूमन मेड और एक होता है ह्यूमन नेचुरल इन्वामेंट में क्या आता है नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है वाटर जिसे हम लोग हाइड्रोस्फेयर भी कहते हैं एयर आता है जिसे हम एटमोसफेयर कहते हैं लैंड आता है जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं लिविंग थिंग्स आता है जिसे हम बायोस्फेयर कहते हैं ये था नेचुरल एनवायरनमेंट। और ह्यूमन मेड कौन सा होता है ह्यूमन मेड में इसके नाम से समझिए ह्यूमन में मतलब जिसे ह्यूमन ने बनाया हो तो जैसे बिल्डिंग हो गई पार्क हो गए ब्रिज हो गए रोड हो गए मॉन्यूमेंट हो गए इंडस्ट्रीज हो गई ह्यूमन में आ जाता है इंडिविजुअल जैसे अकेला फैमिली फैमिली भी एक ह्यूमन है और कम्युनिटी रिलीजन एजुकेशन इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन फ्रॉम द फ्राम दबरवेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट तो इसमें कहा गया अब ये जो बता दिया हमने अबाउ कंजर्वेशन यू अंडरस्टैंड द प्लेस पीपल थिंग्स नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट इनवायरमेंट हर चीज होती है जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हो वो सब एनवायरमेंट होता है इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना इसमें नेचुरल और ह्यूमन मेड फिना होता है इसमें कॉम्बिनेशन हो जाता है तब तो उसे एनवायरनमेंट कहा जाता है वायल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड बायोटिक कंडीशन एग्जिटिंग ऑन अर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट बायोटिक भी हो सकता है एबायोटिक भी हो सकता है जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं